आज का टॉपिक प्रजनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन किसे कहते हैं? अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं, यानी अपनी तरह का मतलब होता है सेम स्पेसिस। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन है क्या? प्रजनन का मतलब होता है कि अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन करते हैं, यानी द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब आता है कि रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस क्या है। प्रजनन जो है पृथ्वी पर जातियों को रहने का सर्वाइव करता है, ये सर्वाइव होता है। यानी मींस देखा जाए तो रिप्रोडक्शन इज द इनिशियल सर्वाइव ऑफ द स्पेसिस ऑन द अर्थ, मतलब सर्वाइव करता है इनिशियल सर्वाइव ऑफ द स्पेस ऑन द अर्थ रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कुत्ते का अगर जो है बच्चा होगा तो कुत्ता ही होगा, अगर मुर्गी की अगर अंडा है उससे मुर्गी ही निकलेगी, यानी अगर एक जो है हेन एग है उससे जो है चूजे ही निकलेंगे। तो ये जो है अपने तरह, अगर मैंगो सीड्स है आम का अगर बीज है तो ग्रोथ होकर ही वो आम का ही प्लांट बनेगा, ये कंफर्म है। यानी मैंगो सीड्स जो है प्रोड्यूस करेगा मैंगो प्लांट। तो अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। द रिप्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एक्सिटिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसिस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब आते हैं प्रजनन की प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार से होते हैं। द प्रोडक्शन आर थ्री टाइप्स ऑन द इंटरमीडिएट लेवल्स बट इन द हाई स्कूल्स इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बट मींस मेन रिप्रोडक्शन इज मेन टू टाइप्स, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यानी इसको कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के, ए सेक्सुअल्स एंड सेक्सुअल्स, क्लियर। बट इंटरमीडिएट लेवल पर अगर देखोगे आप आओगे तो इसमें और जुड़ेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं या व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन, अब हम आएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, नो नेसेसरी फॉर मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इससे मेल और फीमेल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह एक जीव से ही नया जीव बन जाते हैं, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती और एक जीव से नया जीव बन जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्व
मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिजम्स वक्त ना क्रिया जिसमें नर और मादा की सत्ता नहीं होती और एक जीव से नया जीव बन जाता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स विदाउट इन्वॉल्व गेमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स आर मेनी टाइप्स। फर्स्ट फ्यूजन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड स्पोरुलेशन, बीजाणुजनन, रीजनेशन पुनरुद्ध भव एंड फ्रैगमेंटेशन, खंडन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाइव टाइप्स। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु, पुनरुद्भवन, खंडन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाइव टाइप्स: फ्यूजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट इज द फ्यूजन? फर्स्ट टॉपिक्स द प्रोडक्ट द न्यू और न्यू प्रोडक्शन वाइज फ्रॉम डिवाइडेड टू आर मोर इज कॉल्ड फ्यूजन। द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड टू आर मोर एंड प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? जब एक जो है एक कोश की जीव जो है नया जो है टूटकर दो या दो से अधिक भागों को जो है एक नया जीव का जन्म देता है उसे हम विखंडन कहते हैं। मतलब फ्यूजन, फ्यूजन का अर्थ क्या होता है? फ्यूजन माने होता है टूटना। The unicellular organism split or divided two or more and produce new organism is called fissions. Fissions are two types: binary fissions and multiple fissions. Fissions. बाइनरी फ्यूजन होते हैं द्विविखंडन एंड मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन यस, तो द्विविखंडन और बहुविखंडन। बाइनरी फ्यूजन्स द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड आर स्प्लिट टू आर मोर प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड binary fusion. Examples as a amoeba and multiple vikhandan. The parents organism your parents unicellular organism divided two more and produce a new organism is called multiple fusions. द्विविभाजन में जब पेरेंट्स जो है मात्र कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, और जब ना दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जांपल है अमीबा, और इसमें आपका आ जाएंगे आपका प्लाज्मोडियम। इसमें है आपका अमीबा,
प्लस मोडियम, मोडियम ये दो ग्रुप। अब हम आते हैं कैसे होता है अमीबा में, कैसे होता है अमीबा में विखंडन। रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा, अमीबा में प्रजनन, अमीबा में प्रजनन। तो अमीबा प्रजनन होता है एसेक्सुअल द्वारा। रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। अमीबा जो होता है पानी में रहता है और इसका शरीर जो होता है वो धीरे धीरे लंबा होता है, बीच में जो है ऐसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस धीरे धीरे जो है न्यूक्लियस भी लंबा होता है और फिर यह बीच में ऐसे ऐसे दौड़ने लगते हैं, फिर जो है बीच में ऐसे दो भागों में यह बढ़ जाता है और दो न्यू अमीबा बन जाता है। इट इज कॉल्ड मदर सेल्स, मदर अमीबा, अमीबा मदर अमीबा। तो क्लियर हो गए, जब जो अमीबा जो होता है वह जो है होता क्या है, इसके बीच में न्यूक्लियस होते हैं, बीच में धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, कंस्ट्रिक्शन होकर यह बीच में दब जाता है और दब कर दो भागों में यह बढ़ जाता है, इसको न्यू अमीबा कहते हैं और न्यू अमीबा जो नए जीवों को जन्म देते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका हो गया अमीबा में प्रजनन।